अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम मुसलमानों को अपने घर की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए। आज मैं अभी सफ़ा और मरवा की बैरूनी साइड पर हूँ। अभी ये जो आपको एक लंबी इमारत नज़र आ रही है, ये सफ़ा और मरवा पहाड़ी के दरमियान सही की जगह है जहाँ पर दौरान हज और उमरा सही की जाती है, यानी सफ़ा और मरवा के दरमियान में दौड़ना। माशाल्लाह इसका ये बरूनी ख़ूबसूरत एक मंज़र आप देख रहे हैं। अभी देखें तो मक्का टावर का भी एक ख़ूबसूरत नज़ारा आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर अभी आप देखें तो एक आब ज़मज़म तकसीम करने वाला खड़ा है और जो यहाँ से अजाज गुज़र रहे हैं उनको आब ज़मज़म तकसीम कर रहा है। ये मरवा पहाड़ी है, अभी जो आप बिल्डिंग का किनारा देख रहे हैं ये मरवा पहाड़ी है। इसके अंदर बाबुल फतह यानी जब फतह मक्का हुआ था तो यहाँ से दाखिल हुए थे, इसको बाबुल फतह भी कहते हैं। अभी जो आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है ये अबू जहल का यहाँ पे घर था और इस बिल्डिंग पर के नीचे और ऊपर वॉशरूम बनाए गए हैं। और अभी आपको जो किनारा नज़र आ रहा है जहाँ पे एक छोटा सा सब्ज़ मीनार नज़र आ रहा है, ये सफ़ा पहाड़ी है और ये दरमियान में जो पूरी आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये सफ़ा और मरवा के दरमियान जा सही करती हैं, तो अंदर इसके दो चार मंजिला ये बनाया गया है। हज और उमरा के दौरान जब रश होता है तो ये चारों में उमरा की और हज की सही की जाती है। और ये साथ साथ सफाई वाले लोग लगे हुए हैं। अभी जो आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है ये जबले कुबैस है, जबले कुबैस उसकी जिसके ऊपर ये पहाड़ नज़र आ रहे थे, पहाड़ के ऊपर जो इमारत नज़र आ रही थी, इस सही के अंदर बाबुल इस्लाम है और बाबुल नबी है जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होते थे और इसमें बाबुल अली है। अभी मैं आपको इधर एक नक्शा बना हुआ है पूरे हरम का, उसकी आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, यानी जितनी हरम की इमारत है, मस्जिद अल हराम की जितनी भी इमारत है, एक नक्शा इधर लगा हुआ है वो दिखाता हूँ और उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने कौन से गेट हैं। ये आप देखें तो इसमें जहाँ पर दरमियान में लिखा हुआ है और ये इसके साथ लिखाई हुई हुई है चंद दुआओं के साथ आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जहाँ मुसलमान मुश्किलात में, अल्लाह ताला उनकी तमाम किस्म की मुश्किलात दूर फरमाए और
उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको नेक और साले औलाद नसीब फरमाए। और आखिर पे नेक लफाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।